नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोब इनडिज़ाइन के अंदर यह बताऊँगा कि जो रॉन्ग वर्ड रहते हैं, जो वर्ड मिस स्पेल्ड रहते हैं, जिसका स्पेलिंग गलती रहता है, उसके नीचे जो रेड लाइन आना चाहिए वो नहीं डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे यू के बाद ये जो कैन लिखा हुआ है, इसके नीचे रेड लाइन आना चाहिए, इसके चेंज यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके नीचे देखिए प्लस मेरा नाम लिखा हुआ है, तो ये सब के नीचे जो मिस स्पेल्ड है, जो स्पेलिंग जिसका गलती है, उसके नीचे रेड लाइन होना चाहिए, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, उसके नीचे रेड लाइन नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे लेकर आते हैं जिससे कि हम लोग स्पेलिंग चेक कर सके, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो मेनू बार है ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडिट मेनू में क्लिक करेंगे तो नीचे आइएगा, एकदम नीचे, तो यहाँ पे देखिएगा प्रीफ्रेंस बोल के एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्रीफ्रेंस। इसके सब मेनू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल का ऑप्शन है कंट्रोल प्लस के, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीफ्रेंस का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिएगा जनरल, यहाँ पे इस बॉक्स में जो रेड कलर से ये इंडिकेट कर रहा है, इस बॉक्स में यहाँ पे देखिएगा डिक्शनरी के बाद देखिए स्पेलिंग, स्पेलिंग में क्लिक कीजिएगा। स्पेलिंग में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, राइट हैंड साइड में देखिएगा स्पेलिंग का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए फाइन मिस स्पेल्ड वर्ड, और यहाँ पे देखिए डायनेमिक स्पेलिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आपको दिखाई देगा इनेबल डायनेमिक स्पेलिंग, और यहाँ पे देखिएगा मिस स्पेल्ड वर्ड जो दिया है रेड कलर से होना चाहिए, रिपीटेड वर्ड का जो कलर है ग्रीन कलर से, अनकैपिटलाइज ग्रीन कलर से, अनकैपिटलाइज सेंटेंसेस ग्रीन कलर से, और जो मिस स्पेल्ड जिसका स्पेलिंग गलती रहता है उसके नीचे रेड लाइन होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो डायनेमिक स्पेलिंग का इनेबल डायनेमिक स्पेलिंग का जो बॉक्स दिया हुआ है, इसको आप चेक कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक टिक मार्क आ जाएगा, उसके बाद नीचे आइएगा ओके कर दीजिएगा, ये मैंने ओके कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे यू के बाद जो कैन लिखा हुआ था, देखिए इसका स्पेलिंग गलती है, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक्सचेंज का स्पेलिंग गलती है, तो देखिए रेड कलर अंडरलाइन यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है। फॉर्मेटिंग का स्पेलिंग गलती है, तो देखिए रेड कलर से यहाँ पे नीचे, जैसे गौतम कुमार ये कोई वर्ड नहीं है, नेम है, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर से शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग गलती है, तो यहाँ पे रेड कलर, जैसे चूजिंग, और मान लेते हैं इसमें कुछ वर्ड लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दो वर्ड लगाया। अब जैसे ही मैं देखिए इसको, देखिए इसके नीचे भी रेड कलर दिखाई दे रहा है। लुक के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई वर्ड गलत लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ भी रेड कलर से नीचे लाइन आ जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड हमें उसका स्पेलिंग नहीं पता होता है कि वो सही है कि नहीं, तो इससे क्या रेड लाइन आज यहाँ पे रहने से हमें पता चल जाता है कि वो वर्ड मिस स्पेल्ड है, मतलब उसका स्पेलिंग गलती है, तो उसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग किसी भी मिस स्पेल्ड या रॉन्ग स्पेलिंग के नीचे, रॉन्ग वर्ड के नीचे इस तरह रेड लाइन हम लोग ला सकते हैं एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर। तो मैं ये जो आपको बताया, ये किसी में भी आप सेटिंग में प्रेफरेंस में जाके वहाँ से आप उसे ऑन कर सकते हैं, उसके बाद आप स्पेलिंग चेक कीजिएगा तो ज़्यादा आपको आसानी होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं इन डिज़ाइन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।